चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 2C। आज हमको पढ़ाना है 2C पढ़ाना है, और दूसरा चैप्टर है हमारा वर्गमूल। चलिए दूसरा क्वेश्चन है जो है वो क्या है देखते हैं। तो दूसरे का क्वेश्चन है भाग विधि से हमको सरल करना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। क्या करना है हमें? वर्गमूल निकालना है, ये करना है। ध्यान से समझना, थोड़ा मतलब इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो ध्यान से देखना। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो 4489, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें भाग विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो चलिए करते हैं। इस तरीके से हम लाइन खींच लेते हैं, खींच ली। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4489 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ऊपर लाइन खींचे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक जोड़ा ये, दो जोड़ा ये, ठीक है। अब हम थोड़ी जगह यहाँ पे आ जाए, इतनी जगह छोड़ के हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 44 है तो कितने भाग की तरह किया जाएगा, सेम टू सेम। 25 होता है, 6×6=36 होता है, 7×7=49, 7×7=49 हो जाएगा, तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6×6=36 करना पड़ेगा। और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के यहाँ पे लिख दिए जाएंगे 12। तो 36 जो है वो हमने लिख दिया। और 14 में से 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 14 में से जब 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम 89 उतार लेंगे, ठीक है, 89 उतार लिया। अब हम कितनी बार से ले जाएं, 7 बार से देखते हैं ले जाके, ठीक है, 7 बार से देखते हैं ले जाके। 7×7=49, और 7×2=14, 14×4=18, और 7×7=8, मतलब पूरा हमारा जो है वो कट गया है, ठीक है। तो पूरा कट गया, तो एक बार हमने 6 से किया था, एक बार हमने 7 से किया था, तो हमारा जो इसका वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा क्या आएगा, ±67 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ±67 आएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 27,225, इसका वर्गमूल हमें निकालना है भाग विधि से, ठीक है। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख देंगे 27,225 जो है वो हम लिख देंगे। और पीछे से जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, दो रह गए, दो का जोड़ा जो है वो नहीं बना है। तो दो का जोड़ा नहीं बना है, अगर हम एक एकम एक ही कर सकते हैं, अगर दो एकम दो, दो दूनी चार करते तो 4 ज़्यादा हो जाता, तो दो एक एकम एक ही किया, तो हमारे पास कितना बच गया, एक बच गया। एक बार किया था तो एक लिख लिया, तो हमने अब पूरा जोड़ा उतारा जाएगा, ये नहीं एक अंक उतारेंगे। भाग में क्या करते हैं, जो सिंपल भाग होता है उसमें एक ही उतारते हैं, इसमें क्या करेंगे, जोड़ा उतारेंगे, ठीक है। तो 72 जो है हमने उतार लिया। अब ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 2 हो गया, हो गया 2। अब हम कितनी बार में ले जाएं, अब हम लगभग 6 बार में देखते हैं ले जाके, ठीक है, 6 बार में देखते हैं। 6×6=36, ठीक है, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा, और 6×2=12, 13×14=15, ठीक है, 15 हो गया। अब घटा देते हैं, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 6 बचा, 6×5 गया 1। अब हम क्या उतारेंगे, 25, लास्ट वाला जो जोड़ा है वो उतार लिया। अब हम कितनी बार में ले जाएंगे इसको, अब हम इसको ये जोड़ लेते हैं पहले, 6×6=12 और 2×1=3। अब इसको 5 बार में ले जाके देखते हैं, ठीक है, 5×25, 5×2=10, 2×12, 5×3=15, 1×16, तो मतलब पूरा कट गया।
तो हमारा 6 बार किया, फिर 5 बार किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 165, क्या आ जाएगा, 165 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहीं पे लगा लेते हैं। तो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, 49,284, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको भी वैसे ही करते हैं जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन किए हैं। एक लाइन खींची और यहाँ पे एक लाइन खींची, 49,284 हमने लिख लिया। अब पीछे से जोड़े बनाएंगे, एक का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, दो का जोड़ा नहीं बना है, सॉरी 4 का जोड़ा नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 × 4 होता है, तो 2 × 4 हमने कर दिया, यहाँ पे कट गया। अब हमने 92 उतार दिया, ये हमारा कितना हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 बार किया था, 2 लिख दिया, तो अब हम कितनी बार में करें बताओ, फिर से हम 2 बार में ही करते हैं। ठीक है, तो 2 बार में किया, नीचे भी 2 लिख देंगे, 2 × 4 और 2 × 8, तो अब कितना बचेगा, 12 में से 4 गए कितना गए बचेगा, 8। ठीक है, अब हमने 84 उतार लिया, अब ये हमारा कितना हो गया, 44 हो गया 44। अब फिर हम 2 बार से कर देते हैं, ठीक है, 2 ही बार में जाएगा, 2 × 2 ये हमने जोड़ा था, ये हमारा भी जुड़ेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 8, तो हमारा पूरा कट गया। ठीक है, कट गया पूरा, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया, फिर हमने 2 से किया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2, 2, 2, ये आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 क्वेश्चन जो हैं वो लग गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब हम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, अब हम करते हैं, चलिए करते हैं, आपको दिख रहा है ना सब अच्छे से, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, पीछे से जोड़ा बनाएंगे हम, तो जोड़ा बन गया, 1 का जोड़ा नहीं बना, तो 1 × 1, ठीक है, 1 यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा जुड़ के क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो हमने 23 उतार लिया, तो हम कितनी बार में ले जाएं, 1 बार में ही ले जा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा की जाएगा, 1 × 1, 1 × 2, तो हमारा कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर हम क्या उतारेंगे, 43 हमने उतार लिया, तो ये हमारा क्या है, 22 हो जाएगा। अब हम कितनी बार में ले जाएंगे, लगभग 1 बार में ही ले जाएंगे। ठीक है, अब ये भी जुड़ जाएगा, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 2, तो हमारा क्या बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, 2, 2 और 2, फिर हम कितनी बार में ले जाएंगे, हमने 21 उतार लिया। ठीक है, 21 उतार लिया, फिर हम 1 बार में ले जाएंगे, वही हमको संख्या दिख रही है, 2, 2, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पूरा कट गया, तो हमने कितनी बार में किया, 1, 2, 1, 1, 1, 4 बार 1 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, 1, 1, 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा लग जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, वो भी काफ़ी बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है।
ठीक है। तो हमारा अगला जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, अंडर रूट 49, 37, 28 और 4 ये है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब हम लिख लेंगे 49, 37, 28, 4 पीछे से जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, चार का जोड़ा जो है वो नहीं बना है, ठीक है। दो दूनी चार होता है तो हमारा कट गया ये। अब हम क्या उतारेंगे, 93 उतारेंगे। अब ये हमारा जुड़ के क्या हो गया है, 4 हो गया है। अब हम कितनी बार में करें, अब हम दो बार में ही करेंगे, ठीक है। दो बार में हम करेंगे तो अब हमारा ये क्या होगा, 2 × 4, 2 × 8 हमारा कितना बचेगा, 13 में से 4 गए, 13 में से जब 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और अब हम क्या उतारेंगे, 72 उतारेंगे। हमने 72 उतार लिया, ये हमारा क्या हो गया, 2 × 4 और 4 फिर हम 2 से करेंगे, ठीक है। फिर हमने 2 से किया, अब देखते हैं क्या आएगा, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 8 अब 12 में से 4 का कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 6 में से 8 में तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 8 गए, 8 बचेगा। अब हम फिर 84 उतारे ले रहे हैं, ये हमारा कितना हो गया, 4, 4 और 4 फिर से हम दो बार करेंगे, ठीक है। फिर से हम दो बार कर रहे हैं, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 8, 2 × 8 इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। तो हमने कितनी बार में किया था, 2 किया था, फिर 2 किया, फिर 2 किया, फिर 2 किया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस में 2, 2, 2, 2 तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको क्लास जो है वो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है 61 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है, क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, पर शेयर तो बार बार कर सकते हो ना, मैं मेहनत तो रोज़ करती हूँ, तुम उसका फल भी रोज़ मिलना चाहिए, तो शेयर जो है हर रोज़ कर दिया करो, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर किसी को, अपने फ्रेंड को वीडियोज़ जो हैं वो शेयर कर दो। और हमारे चैनल पे फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की क्लासेज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप बता दीजिएगा सबको, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के ज़रूर जाना, ओके। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी सर्च करते हैं, तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोज़ का, तीसरा है प्लेलिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो हम जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे, कहाँ है एरो, एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये आ जाएगा व्यू 30 मोर। तो व्यू 30 मोर पे आप टच करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, जब आप चैनल पे टच करेंगे तब आपको हमारे 3 और चैनल दिखेंगे, पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है,
दूसरा पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है। बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जो जस्ट क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है, जिसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है। आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट जो ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें क्या है, घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, वो हमारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, सब्बा खैर, गुड बाय बाय बाय।